नागरिक प्राचार्य सभागार में परशुराम जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर अशोक तिवारी ने कहा कि हम एक दिन ही परशुराम जयंती बनाकर अपने आप को खुशहाल ना समझे। बाबा परशुराम के आदर्श नीति और चरित्र थे। हम सभी ब्राह्मणों को उनकी नीतियों पर चलना चाहिए, उनके आदर्शों का पालन करना चाहिए ताकि समाज को एक अच्छा संदेश दे सके। वक्तागण बहुत अधिक है, इसलिए इनके समय का हम सभी ख्याल रखेंगे, सभी कार्यक्रम की गणना बनी रहेगी। तिवारी जी से आग्रह है कि ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष अंजनी तिवारी जी को सफल कार्यक्रम जो हो रहा है आप लोगों के सहयोग से उनको अंग पत्र और मल्यार्पण सम्मानित हो। मंच पर जो विराजमान है वो दैनिक, लेकिन आप हमारे हित है, आपके बिना यह कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता। इसलिए मेरा नाम अशोक कुमार तिवारी है और मैं एक सामाजिक समाजकर्ता भी हूँ, सामाजिक सेवा करता हूँ। और आज परशुराम जी की जयंती नागरिक प्रचारणी स्थानीय आरा मनाया जा रहा है और सारे ब्राह्मण समुदाय के जितने भी बुद्धिजीवी हैं सारे लोग पहुँचे हैं और इसमें अलग जातियों के भी लोग पहुँचे हुए हैं। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं केवल एक दिन में परशुराम जयंती मनाकर ही अपने आप को खुशहाल न समझूँ। मैं चाहूँगा कि परशुराम जी, बाबा परशुराम की जो आदर्श नीति और उनका जो चरित्र था, उस चरित्र और उनकी नीतियों के आधार पर हम सभी ब्राह्मणों लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि समाज में एक समरसता ला दें और लोगों को एक अच्छा संदेश दें, ताकि कोई भी जाति धर्म का व्यक्ति हो ये महसूस नहीं करे कि ये ब्राह्मणवाद कर रहे हैं। नहीं, ऐसी नहीं होनी चाहिए। ब्राह्मणों का काम है कि समाज में अच्छी बातों को लोगों तक पहुँचाना और अपने चरित्र को, जिस तरह आजकल हर जगह कुछ ना कुछ आरोप ब्राह्मणों पर भी लग जाता है तो वो गलत चरित्र के व्यक्ति होते हैं। लेकिन हमारे जैसे गरीब व्यक्ति, मैं चाहूँगा कि अच्छा संदेश और अच्छा एक वातावरण बनाया जाए ताकि ब्राह्मणों का पूर्वज से ही एक प्रतिष्ठित जगह रहा है, उस जगह की गरिमा को बनाए रखा जा सके। मैं आज काफ़ी खुश हूँ कि परशुराम बाबा के चरित्र पे लोग शपथ लेकर ये प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि मैं समाज में अच्छा संदेश लाऊंगा। मैं अशोक कुमार तिवारी, जागरूक नागरिक अधिकार मंच का मैं संयोजक। भगवान परशुराम के जन्मोत्सव जो मनाया जाता है अक्षय तृतीया को, और उसी के अनुसार हम लोग एक पखवाड़े में मनाते हैं जो कि आज आरा में मनाया जा रहा है। उनका संदेश है कि हमेशा जो है गलत का और गलत जो भी किया है उसका उन्होंने प्रतिकार किया है, विरोध किया है, नरसंहार किया है। तो ये जो आज हम लोग के समाज में जो गलत है, विरोध है, उसका हम लोग प्रतिकार करेंगे, विरोध करेंगे और एक स्वच्छ समाज का निर्माण करने का हम लोग काम। जय परशुराम के नारों के साथ क्या लगता है ब्राह्मण समाज को एकजुट करने की भी कोशिश है क्या आपकी? ब्राह्मण समाज एकजुट है ही, यहाँ लोग उपस्थित हुए हैं जन्मोत्सव मनाने के लिए, और ब्राह्मण समाज नहीं और भी लोग हैं, और सबको इकट्ठा करके एक स्वच्छ समाज का निर्माण करने का हम लोग काम कर रहे हैं। आगे भी होगा एकदम, बिल्कुल बिल्कुल, एक अच्छा समाज में मैं संदेश जाए और लोगों को जो है स्वच्छ समाज का निर्माण हो एकदम। इसके बैनर तले और कौन कौन लोग आए हैं तो बता दीजिए। जितने भी विद्वत लोग हैं वो सभी लोग पधारे। ब्राह्मण महासभा के कोई बड़े? ब्राह्मण महासभा जो है आयोजन करता है, आयोजन किया है, उसमें सभी लोग शामिल हैं। और ब्राह्मण महासभा ये नहीं है कि केवल ब्राह्मण महासभा के ही द्वारा किया जा रहा है, सभी लोग शामिल हैं।